राज्य में आगामी बे दिवस हलवा वरसाद की आगाही कर हवामान विभागे कहू खास कर दक्षिण राजस्थान पर अपरेर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन की असर ने कारण वलसाड दमण में वरसाद पड़ सके सौराष्ट्र में हलवा वरसाद की आगाही कर मछीमारो ने बे दिवस दरियो न खेड़वा सूचन करायु अमदावाद में वरसादी झापटा रहे लास्ट 24 आवर्स में गुजरात रीजन में एट मेनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मिला है। सौराष्ट्र कच्छ में एट ए फ्यू प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुआ है। सौराष्ट्र कच्छ में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह में हेवी रेनफॉल हुआ है। तो अभी जो सिनॉप्टिक सिचुएशन जो है जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ है अलॉन्ग 20 डिग्री नॉर्थ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ गुजरात नेबरहुड में है बिटवीन 1.5 एंड 7.6 और एक साउथ गुजरात साउथ राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अप टू 0.9 किलोमीटर। तो ये सब साइक्लोनिक सिचुएशन को देखते हुए हमारा मानना है कि गुजरात रीजियन और सौराष्ट्र कच्छ में एट मेनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। ओके एंड ओनली एट वन और टू प्लेसेस में गुजरात रीजियन में खास करके हमने दमन और वलसाड दिया है वह हेवी रेनफॉल होने का संभावना है और सौराष्ट्र कच्छ में एक आधा जगह में हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव को रेनफॉल में काफी कमी आ जाएगी बिकॉज अगेन 19th ऑनवर्ड्स मॉनसून ट्रॉफ जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय में जा रहा है। तो उसी से इसीलिए हमारा मानना है कि डे वन को छोड़ के मतलब आज को छोड़ के डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव को रेनफॉल ओनली स्कैटर्ड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। सो आज ही ओनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है आइसोलेटेड प्लेसेस में, लेकिन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव में कोई हेवी रेनफॉल वार्निंग नहीं है। एंड अभी तक अप्रोक्सीमेटली 35% रेन हुआ है। मछुआरे के लिए हमारे कोस्ट में डे वन डे टू में के लिए फिशरमैन वार्निंग है। सो मछुआरे भाई जो है हमारे नॉर्थ एंड साउथ गुजरात कोस्ट में आज और कल दैट इज टुडे एंड टुमारो ना जाए। ओके सो दिस अहमदाबाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इट विल बी योर लाइट टुमारो रेनफॉल ओनली लाइट टुमारो रेनफॉल अलोंग विद थंडर एंड लाइटनिंग।